हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त समूह। ब्लड आप पढ़ रहे थे, ब्लड कंप्लीट हो गया था, ब्लड और ब्लड के प्रकार। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह। तो देखिए, रक्त समूह जो है, ब्लड ग्रुप जो है, इसकी खोज किसने की थी? तो किसने की थी? सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कितने रक्त समूह? केवल ए, बी और ओ, ठीक है ना। सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ए, बी, ओ रक्त समूह की खोज की थी। और 1902 में इन्होंने बताया कि जो मनुष्य होते हैं, सभी मनुष्यों में रक्त समूह अलग अलग होता है। उसके बाद फिर ए बी रुधिर वर्ग की खोज किसने की? डी कैस्टिलो और स्टर्ली ने मिलकर के किसकी खोज की? ए बी रुधिर वर्ग की खोज की, ठीक है। उसके बाद जो है, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि रक्त वर्ग जो होते हैं, रक्त समूह जो होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह। यानी कि रक्त समूह जो है, ब्लड ग्रुप जो है, ये कितने प्रकार के? चार प्रकार के होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। और ये जो ब्लड ग्रुप है, इनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनका निर्धारण यानी कि अलग अलग ब्लड ग्रुप का निर्धारण जो है, उसमें उपस्थित एंटीजन के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से? एंटीजन माध्यम से। यानी कि जिस ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन पाया जाता है, वही उसका क्या होता है? ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है ना। जिसमें जो एंटीजन होगा, वही ब्लड ग्रुप होगा। तो हम कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है, इसका निर्धारण हम किसके द्वारा? ब्लड में उपस्थित एंटीजन के माध्यम से करते हैं, एंटीजन के द्वारा करते हैं। एंटीजन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन होती है, ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसमें एंटीजन कौन कौन से पाए जाते हैं और कौन कौन से एंटीबॉडी। तो यहाँ ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है, रक्त समूह लिखा हुआ है। तो देखिए, रक्त समूह जो है, ए रक्त समूह में, ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? ए एंटीजन पाया जाता है। और एंटीबॉडी जो होती है, उसी की अपोजिट होती है। यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी ये कभी जो है सेम नहीं होते हैं। जिस ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होगा, उसमें ए एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, उसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी? बी एंटीबॉडी पाई जाती है। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है ए ब्लड ग्रुप जो है, उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है? ए एंटीजन। या इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि जिस ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन पाया जाता है, वो कैसा ब्लड ग्रुप होता है? वो ब्लड ग्रुप ए होता है। जिस ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होगा, वो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ए होगा, ठीक है। और उसमें एंटीबॉडी कैसी पाई जाएगी? बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। एंटीजन को हम जो है ए और बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी से। एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी को हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप जो है, उसमें ए एंटीजन होगा और एंटीबॉडी क्या होगी? बी एंटीबॉडी। सेम आप यही याद रखिए, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा किसमें कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी। जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप, ठीक है। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन होगा। ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन कैसा होगा? ए होगा। और एंटीबॉडी उसी का उल्टा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन कैसा होगा? बी होगा। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी क्या होगा? बी होगा। और एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी ये दोनों जो है समान नहीं होंगे कभी भी। फिर जो है ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए बी, ए बी ब्लड ग्रुप है, यानी कि इसमें ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों होगा, इसीलिए इसका नाम ए बी ब्लड ग्रुप पड़ा है। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है, इसमें दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों, ए और बी दोनों एंटीजन इसमें पाए जाते हैं, ए और बी दोनों, ठीक है ना। इसमें दोनों एंटीजन पाए जाएंगे और एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी। अगर देखिए, कोई भी एंटीबॉडी होती, अगर ए एंटीबॉडी हो जाएगा तब भी ए ए समान हो जाएंगे, बी एंटीबॉडी होगा तब भी बी और बी समान हो जाएंगे। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप जो है, ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, इसीलिए। फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ ब्लड ग्रुप जो है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता और एंटीबॉडी इसमें दोनों पाए जाते हैं, ए और बी, क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है
तो कोई एंटीजन और एंटीबॉडी जो है ये सेम नहीं होंगे। इसलिए जो ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसे हम कहते हैं इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है ए और बी। तो जिसमें ए एंटीजन वो ब्लड ग्रुप ए होगा, जिसमें बी एंटीजन वो ब्लड ग्रुप बी होगा, जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन उपस्थित होंगे वो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता वो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ओ होगा, ठीक है। और ब्लड ग्रुप जो है जिसमें एंटीजन जो होगा उसका अपोजिट एंटीबॉडी, यानी कि ए ब्लड ग्रुप अगर है तो उसमें एंटीबॉडी बी होगी, और अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीबॉडी ए होगी, ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होगा, ओ ब्लड ग्रुप है तो उसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ठीक है। ये था ब्लड ग्रुप आपका, ठीक है। अब इसके बाद आता है, जैसे आपने सुना होगा कहते हैं कि ए प्लस बी प्लस, ठीक है ना, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ठीक है, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, इस प्रकार से आपने सुना होगा कि ब्लड जो है किसी का ओ पॉजिटिव होता है तो किसी का ओ निगेटिव होता है, और किसी का ए पॉजिटिव होता है तो किसी का ए निगेटिव होता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता है तो किसी का बी निगेटिव होता है, इस प्रकार से आपने सुना होगा। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, तो आपने देखा कि ब्लड में क्या पाई जाती है, एक तो एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ये क्या है, प्रकार के प्रोटीन होते हैं। उसी प्रकार से एक और प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं आरएच फैक्टर। ये आरएच फैक्टर क्या है, ये जो है एक प्रकार की प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है, एंटी ग्लूटिनो प्रोटीन है। आरएच फैक्टर जो है ये एक प्रकार की एंटी ग्लूटिनो प्रोटीन है, और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज भी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर ने नामक वैज्ञानिक ने, यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर नामक वैज्ञानिक ने मिल करके आरएच फैक्टर की खोज की थी। और ये आरएच फैक्टर की खोज जो है किसमें हुई थी, रहीसस नामक मंकी में हुई थी, रहीसस नामक बंदर में हुआ था। तो रहीसस नामक बंदर में ये आरएच यानी कि इस प्रोटीन की खोज हुई थी, एंटी ग्लूटिनो प्रोटीन की, इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया आरएच फैक्टर, क्योंकि ये रहीसस नामक बंदर में खोजा गया था, ठीक है, रहीसस नामक बंदर में पाया गया था, ठीक है। और ये जो है आरएच फैक्टर, यही आरएच फैक्टर पॉजिटिव और निगेटिव को निर्धारित करता है। आरएच फैक्टर से ही ये निर्धारित होता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो देखिये, जिसमें जो है जिन ब्लड ग्रुप में या जिस ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर उपस्थित होगा, जिस ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर उपस्थित होता है वो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, आरएच पॉजिटिव होगा। और जिस ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर नहीं उपस्थित होता, आरएच फैक्टर अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, वो ब्लड ग्रुप कैसा होता है, आरएच माइनस होता है। जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें आरएच, उस ब्लड में आरएच फैक्टर भी उपस्थित है, तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, उसका ए प्लस होगा। और मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ओ माइनस है, इसका मतलब किसी का ब्लड ग्रुप ओ है और उसमें आरएच फैक्टर उपस्थित नहीं है, तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ओ माइनस होगा। यानी कि जिस ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर उपस्थित होगा वो प्लस होगा, और जिस ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर नहीं होगा वो कैसा होगा, माइनस होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। ये था आरएच फैक्टर। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन जो है, हम जानते हैं, ये आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, और आप जानते भी हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप जो है इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, यानी कि ये कैसा होता है, सर्वग्राही होता है। और ओ जो है ये कैसा होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि ओ जो है ये सर्वदाता होता है, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है किससे ब्लड ग्रुप ब्लड ले सकता है, और कौन सा ब्लड ग्रुप जो है किसे ब्लड दे सकता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने बनाया हुआ एक चार्ट, देखिए यहाँ पे हमने लिखा ब्लड ग्रुप, ठीक है, उसके बाद एक कॉलम में हमने लिखा है कि दे सकते हैं, यानी कि ये ब्लड ग्रुप जो है कौन से ब्लड ग्रुप वाले, यानी कि कौन से ब्लड ग्रुप जो है किसको दे सकते हैं, किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकते हैं। और यहाँ हमने लिखा है ले सकते हैं, यानी कि ये ब्लड ग्रुप, यानी कि कौन से ब्लड ग्रुप के व्यक्ति जो है किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, याद हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे रक्त समूह हमने पहला लिखा है ए माइनस, ए माइनस का मतलब इसमें आरएच फैक्टर नहीं है, ए माइनस का अगर माइनस है तो इसका मतलब आरएच फैक्टर उपस्थित नहीं है, आरएच फैक्टर अब्सेंट है, और अगर प्लस है तो इसका मतलब आरएच फैक्टर
प्रेजेंट है, उपस्थित है। तो यहाँ पे हमने लिखा पहले ए माइनस। अब देखिए ए माइनस ब्लड ग्रुप जो है ये किसको किसको ब्लड दे सकता है, ए माइनस ब्लड ग्रुप जो है ये किसको किसको ब्लड दे सकता है, तो ये केवल जो है ए माइनस को यानी कि अपने को दे सकता है, और बाकी ए बी जो है ये तो सर्वग्राही है ही, तो ए बी जो है ए माइनस को, ये ए बी माइनस को ये ब्लड दे सकता है। ठीक है, ये ब्लड जो है ए माइनस जो है ये किसको, ए माइनस को और ए बी माइनस को ब्लड दे सकता है, यानी कि केवल ये माइनस वाले को, अपने माइनस को यानी कि ए जो है ए माइनस को देगा और ए बी माइनस को दे सकता है और किसी को ब्लड दे नहीं सकता। जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा, ए माइनस होगा, वो केवल किसे दे सकेगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए माइनस होगा उसे दे सकेगा, या तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी माइनस होगा उसे दे सकेगा। ये केवल दो है, दो ये ए यानी कि ए माइनस जो है ये केवल दो ग्रुप वाले जो है व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। ले किससे सकता है, तो ये ए माइनस जो है केवल ए माइनस से ले सकता है, यानी कि अपने से समान को दे सकता है, अपने से समान से ले सकता है। ठीक है ना, अपने बराबर के व्यक्ति को दे सकता है और अपने बराबर के व्यक्ति से ले सकता है। इस तरीके से आप याद रख लेंगे, यानी कि ए माइनस जो है ये ए माइनस को दे भी सकता है और ए माइनस से ले भी सकता है, और ये ए बी माइनस को भी दे सकता है और जो है ए बी माइनस से ये ले नहीं सकता। ठीक है ना, ये किससे लेगा, ओ माइनस से ले सकता है। ठीक है, आप जानते हैं कि ओ जो होते हैं वो सर्वदाता होते हैं, ए बी जो है वो सर्वग्राही होते हैं, तो ए बी जो है ग्रहण तो लेने के लिए सबसे ले लेंगे लेकिन देने को किसी को भी नहीं दे सकते। ठीक है, और ये आपका ए माइनस जो है ये ए से, ए माइनस से ले सकता है और ओ माइनस से भी ले सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, ए माइनस है तो वो ए माइनस को देगा और ए बी माइनस को देगा, किससे लेगा, ए माइनस से लेगा और ओ माइनस से लेगा। ठीक है, फिर ए प्लस है, ए प्लस का मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटी आरएच फैक्टर उपस्थित है। ठीक है ना, ए प्लस है इसका मतलब इसमें आरएच फैक्टर क्या है, उपस्थित है, तो ए प्लस जो है ये केवल ए प्लस को दे सकता है ब्लड और ए बी प्लस को दे सकता है, ये केवल जो है ए प्लस और ए बी प्लस को ब्लड दे सकता है, यानी कि ब्लड ग्रुप ए प्लस वाला व्यक्ति जो है केवल ब्लड ग्रुप ए प्लस और ए बी प्लस वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। ले किससे सकता है, तो ए प्लस माइनस दोनों से ले सकता है। ठीक है, यानी कि दोनों से, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों से लेगा। लेने के लिए चार लोग से ले सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए माइनस होगा उनसे भी, जिनका ब्लड ग्रुप ए प्लस होगा उनसे भी, जिनका ब्लड ग्रुप ओ माइनस होगा उनसे भी, और जिनका ब्लड ग्रुप ओ प्लस होगा उनसे भी। यानी कि ये जो है ए से, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, दोनों से ले सकता है। ओ जो है ओ से भी, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, दोनों से ले सकता है। ए प्लस जो है, ए माइनस जो है केवल माइनस वाले से लेता है। ठीक है, माइनस ए और माइनस ओ वाले से लेता है, लेकिन ए प्लस जो है ये ए प्लस माइनस दोनों से ले सकता है, ओ प्लस माइनस दोनों से ले सकता है। उसी प्रकार से बी भी आपका ए की तरह से सेम होगा। ठीक है ना, बी जो है ये केवल किसको दे सकता है, बी माइनस को दे सकता है और ए बी माइनस को दे सकता है। लेने के लिए भी बी माइनस से लेगा और ओ माइनस से लेगा। ए बी प्लस जो है ये किसको दे सकता है, बी प्लस को दे सकता है और ए बी प्लस को दे सकता है। लेने के लिए ये बी प्लस माइनस, यानी कि वो बी प्लस हो उनसे भी ले सकता है, बी माइनस हो उनसे भी ले सकता है, ओ प्लस हो उनसे भी ले सकता है, ओ माइनस हो उनसे भी ले सकता है, ए बी माइनस। अब देखिए ए बी माइनस जो है ये केवल किसे दे सकता है, ए बी माइनस को दे सकता है। ठीक है ना, ये किसी को नहीं दे सकता ब्लड, केवल अपने बराबर को दे सकता है, यानी कि ए बी माइनस जो है ये केवल ए बी माइनस वाले ब्लड, ए बी माइनस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। लेने के लिए तो ये माइनस वाले जितने भी हैं सबसे ले सकता है, लेकिन केवल माइनस वाले से। माइनस है अगर, ए बी माइनस है तो वो ए बी माइनस से ले सकता है, ए माइनस से ले सकता है, बी माइनस से ले सकता है और ओ माइनस से ले सकता है। यानी कि ए बी माइनस जो है ये देने के लिए केवल ए बी माइनस को देगा और लेने के लिए सभी माइनस वाले से ले सकता है। चारों ब्लड ग्रुप के जो माइनस होंगे माइनस वाले से ये ले सकता है। अब देखिए ए बी प्लस जो है ये देने के लिए तो देगा केवल ए बी प्लस को, लेने के लिए वो कोई भी चारों ब्लड ग्रुप के, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, किसी से भी ले सकता है। ठीक है, तो ए बी जो है आप कहते हैं कि ए बी क्या है, सर्वग्राही होता है।
ठीक है ना। एबी क्या होता है, सर्वग्राही होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एबी प्लस सर्वग्राही होता है या एबी माइनस सर्वग्राही होता है, तो आप याद रखिएगा एबी माइनस जो है वो सर्वग्राही नहीं होता, बल्कि एबी प्लस जो है वो क्या होता है, सर्वग्राही होता। आप यहाँ देख रहे हैं एबी माइनस जो है केवल माइनस वाले से ले सकता, लेगा तो चारों ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से, लेकिन केवल माइनस वाले से, यानी कि जिनमें आरएस फैक्टर उपस्थित नहीं होगा। एबी जो है ये किससे, आप देख रहे हैं कि चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, दोनों से ले सकता है, ठीक है। एबी प्लस माइनस, ओ प्लस माइनस, ए प्लस माइनस, बी प्लस माइनस, यानी कि एबी प्लस हो या माइनस हो, बी प्लस हो या माइनस हो, ए प्लस हो या माइनस हो, ओ प्लस हो या माइनस हो, सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ये ले सकता है। कौन? एबी। उसके बाद ओ माइनस देखिए, तो ओ माइनस जो है, जैसे आपने देखा कि एबी जो है इसको हम सर्वग्राही कहते हैं, एबी में कौन सर्वग्राही होता है, जो एबी प्लस होता है, उसी का उल्टा ओ माइनस जो होता है वो क्या होता है, सर्वदाता होता है, ओ प्लस सर्वदाता नहीं होता। देखिए ओ माइनस जो है ये सबको ब्लड दे सकता है, सर्वदाता ये सबको दे सकता है, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, ए प्लस माइनस हो, बी प्लस माइनस, ए बी प्लस माइनस, ओ प्लस माइनस, यानी कि ये सबको ब्लड दे सकता है, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, ये सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन लेने के लिए ये किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता, केवल अपने बराबर से ब्लड लेगा, केवल ओ माइनस से ब्लड ले सकता है। ओ बी, ओ प्लस जो है ये आप देख रहे हैं कि सबसे ब्लड ले सकता है, लेकिन केवल प्लस वालों से लेगा, माइनस वालों से नहीं ले सकता है। ए प्लस से ब्लड ले सकता है, बी प्लस से ले सकता, बी प्लस को दे सकता है, उल्टा हो गया, बोल दिया हमने, ठीक है। ओ प्लस जो है ये सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन केवल प्लस वाले को, ए ओ जो है एक इसको ए प्लस को भी ब्लड दे सकता है, बी प्लस वाले को भी दे सकता है, ए बी प्लस को भी दे सकता है, और ओ प्लस को भी दे सकता है, लेकिन ले सकता है केवल ओ प्लस से, ठीक है। तो ये हमने बताया कि कौन से ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकते हैं और किस ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप याद रख लेंगे, यानी कि ये वाला जो है इनसे इनसे इनको इनको दे सकता है और इनसे इनसे ले सकता है, यही हमने लिखा है। जैसे ए माइनस जो है ये किसको दे सकता है, ए माइनस को, ए बी माइनस को दे सकता है, लेगा किससे, ए माइनस और ओ माइनस से ले सकता है। बी माइनस जो है ये बी माइनस जो है बी माइनस और ए बी माइनस को दे सकता है, बी माइनस और ओ माइनस से ले सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए बी प्लस जो है ये ए बी प्लस को दे सकता है, ए बी प्लस माइनस यानी कि जितने भी माइनस हैं सभी से ये ब्लड ले सकता है, चारों ब्लड ग्रुप के सभी से, प्लस हो या माइनस हो सभी से ये ब्लड ले सकता है। उसी प्रकार से ओ माइनस जो है ये सभी को ब्लड दे सकता है, चारों ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो सभी को ब्लड दे सकता है, लेकिन लेगा केवल अपने समान यानी कि ओ माइनस वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकता है। ओ प्लस जो है ये भी जो है जितने प्लस वाले हैं चारों ब्लड ग्रुप वालों को, यानी कि चारों ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, लेकिन केवल प्लस वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है, लेगा किससे, ये भी केवल प्लस यानी कि ओ प्लस वाले व्यक्ति से ब्लड ग्रुप यानी कि ब्लड ले सकता है। सर्वदाता, देखिए हमने लिखा हुआ कि ओ माइनस होता है, ओ माइनस जो है ये क्या है, सर्वदाता है, और सर्वग्राही कौन है, एबी, एबी प्लस सर्वग्राही है, ठीक है ना। ऐसे आप कहते हैं कि ओ क्या है, सर्वदाता है, एबी सर्वग्राही है, लेकिन याद रख लीजिए ओ में कौन सा, ओ माइनस जो है वो सर्वदाता है और ए बी प्लस जो है वो क्या है, सर्वग्राही है। और ये जो ओ माइनस ब्लड ग्रुप है ये विश्व में लगभग 4% लोगों में पाया जाता है, ओ माइनस ब्लड ग्रुप जो है ये विश्व में लगभग जो है 4% लोगों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका ब्लड ग्रुप, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो है आपका ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियां। ले लिए होंगे आप स्क्रीनशॉट। अब हम देख लेते हैं, ब्लड के बाद आपने दूसरा टॉपिक लिखा था रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स। अब दूसरा जो है वो है रक्त वाहिनियां,
ब्लड वेसल्स। तो ये रक्त वाहिनियां जो हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं, ये क्या होती हैं? तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर में रक्त जो है बहुत सी किसके द्वारा, बहुत सारी जो है वाहिनियों या नलियों के माध्यम से प्रवाहित होता है। ठीक है, हम लिख लेंगे कि हमारे शरीर में रक्त बहुत सारे नलियों के माध्यम से क्या होता है, प्रवाहित होता है। इन नलियों को क्या कहते हैं, इन नलियों को हम रक्त वाहिनी कहते हैं, रक्त वाहिनी कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, या हम ऐसे लिख लेंगे, जो तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला तो है, वो है धमनी, जिसे हम आर्टरी कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो है वो है सिरा, जिसे हम वेन कहते हैं। और तीसरा जो है वो है केशिकाएं। कैपिलरीज, ठीक है ना। ये तीन होते हैं, धमनी, सिरा और रक्त केशिकाएं, यानी कि जो है ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं, धमनी और सिरा पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम केशिका, या पहले हम केशिका ही देख लेते हैं कि केशिका जो है ये क्या है। तो केशिका जो है, इसमें हम लिख लेंगे, ये बहुत पतली क्या होती हैं, रक्त वाहिनियां, ये बहुत पतली रक्त वाहिनियां होती हैं, जो धमनी और जो धमनियों और किसको, सिराओं को, जो धमनियों और सिराओं को जोड़ती हैं, ठीक है ना। ये केशिकाएं जो होती हैं, ये बहुत पतली पतली वाहिनियां होती हैं, और ये जो है धमनियों और सिराओं को क्या करती हैं, जोड़ती हैं। धमनियों और सिराओं को क्या करती हैं, जोड़ती हैं, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से या केशिकाओं के द्वारा ही, या इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि केशिकाओं के द्वारा ही या इन्हीं के माध्यम से ब्लड जो है या रक्त हमारे शरीर की विभिन्न ऊतकों और कोशिकाओं तक पहुंचती हैं। इन्हीं के माध्यम से, यानी कि जो केशिकाएं होती हैं, ये बहुत पतली पतली वाहिनियां होती हैं, और ये जो है धमनियों और शिराओं को क्या करती हैं, जोड़ने का कार्य करती हैं। और इन्हीं केशिकाओं के माध्यम से ही ब्लड जो है हमारे शरीर के विभिन्न ऊतकों और कोशिकाओं में प्रवेश करता है, विभिन्न ऊतकों और कोशिकाओं तक पहुंचता है, ठीक है। ये केशिकाएं हैं, उसके बाद धमनी और शिरा, इसको हम देखते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर हम धमनी और शिरा देखते हैं। हो गया, ये स्क्रीन शॉट हो गया होगा। अब हम देखते हैं धमनी और शिरा।
तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लेते हैं, एक तरफ हम धमनी लिख लेते हैं आर्टरी, और एक तरफ हम लिख लेते हैं सिरा या वेन, ठीक है। इसी को हम नसें भी कहते हैं, नसें या नस, ठीक है। तो देखते हैं हम, तो अब देखिए यहाँ पे पॉइंट वाइज हम लिखते हैं, धमनी जो है, धमनी में आप यहाँ पे लिख लेंगे कि धमनी में इसमें जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन युक्त यानी कि शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त का क्या होता है, प्रवाह होता है। इसमें जो है ऑक्सीजन युक्त या हम कह सकते हैं कि शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन इसमें जो है, इसमें किसका, इसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। और इसमें हम दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है ना, धमनी जो है इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, केवल एक अपवाद है उसको छोड़ करके, कौन से, केवल इसमें हम लिख भी सकते हैं प्रवाह होता है, आगे हम लिख लेंगे केवल फुफ्फुस, जिसको हम पल्मोनरी कहते हैं, फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, इसमें केवल फुफ्फुस सिरा को छोड़कर, ये इसके अपवाद है, ठीक है ना। ये कैसे है आपको जब हार्ट पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट हम इसमें लिख लेंगे कि ये जो धमनी होती हैं, ये ब्लड को कहाँ से कहाँ तक प्रवाहित करती हैं, तो धमनियां जो होती हैं ये हमारे ब्लड को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं। ब्लडियां जो, ये जो है हमेशा, धमनी जो है हमेशा रुधिर को हृदय से अंगों तक ले जाती हैं। ये जो है हमेशा रुधिर को हृदय से अंगों तक ले जाती हैं, और ये जो है, ये रुधिर को क्या करती हैं, अंगों से हृदय तक ले आती हैं, ठीक है ना। ये रुधिर को अंगों से हृदय तक ले आती हैं, और ये क्या करती हैं, ये रुधिर को हृदय से अंगों तक ले जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगला पॉइंट लिख लेंगे कि ये धमनियां जो होती हैं, ये अंदर से जो है, ये जो है अंदर से सिराओं की अपेक्षा, अंदर से सिराओं की अपेक्षा कैसी होती हैं, कम चौड़ी होती हैं। ये जो है कम चौड़ी होती हैं, धमनियां जो है अंदर से सिराओं की अपेक्षा कम चौड़ी होती हैं, ठीक है ना। और ये जो है अंदर से किसकी अपेक्षा, धमनियों की अपेक्षा अधिक चौड़ी होती है, ठीक है ना। ये अंदर से जो है धमनियों की अपेक्षा कैसी होती हैं, अधिक चौड़ी होती हैं, ठीक है। और अगला हम लिख लेंगे चौथा पॉइंट कि इसमें जो है धमनियों में जो वाल्व होते हैं, धमनियों में वाल्व नहीं पाए जाते, ठीक है ना, वाल्व नहीं पाए जाते हैं, और इसमें जो है वाल्व पाए जाते हैं, इसमें वाल्व पाए जाते, वाल्व को हम कपाट भी कह सकते हैं। जो धमनियां होती हैं, धमनियों में जो है वाल्व नहीं पाए जाते, और जो सिराएं होती हैं, सिराओं में जो है वाल्व पाई जाती हैं, ठीक है ना। और इसके बाद अगला पॉइंट हम लिखेंगे पांचवा पॉइंट, ये धमनियां जो होती हैं, धमनियों की
दीवारें मांसपेशीय युक्त मोटी होती हैं। इनकी दीवारें जो हैं ये मांसपेशी युक्त होती हैं और मोटी होती हैं। इनकी दीवारें पतली होती हैं और मांसपेशियां मांसपेशियां नहीं पाई जाती। ठीक है ना, जो धमनियां होती हैं, धमनियों की दीवारें जो होती हैं वो मांसपेशी युक्त होती हैं और कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। सिराएं जो होती हैं इनकी दीवारें कैसी होती हैं, पतली होती हैं और इनमें जो है मांसपेशियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है ना, ये जो है अगला हम लिखेंगे धमनियां जो होती हैं इनका रंग कैसा होता है। तो ये जो है गुलाबी या लाल रंग की होती हैं। ये जो है गुलाबी या लाल रंग की होती हैं और ये जो है हम कहेंगे कि नीले या हम कह सकते हैं कि हल्के नीले रंग की होती हैं। ये गुलाबी रंग की होती हैं और ये कैसी होती हैं, ये हल्के नीले रंग की या हम कह सकते हैं बैगनी रंग की होती हैं। और ये जो है अगला पॉइंट हम लिख लेंगे कि धमनियां जो हैं इनमें रक्त का प्रवाह बहुत तेजी से अधिक दबाव के साथ होता है। ठीक है, इसमें जो रक्त का प्रवाह है वो कैसा होता है, वो बहुत तेजी से होता है और जो है बहुत कह सकते हैं कि अधिक दबाव के साथ होता है। इसमें जो है रक्त का प्रवाह या रक्त का संचार धीरे धीरे होता है और कम दबाव के साथ होता है। ठीक है, इतना बहुत है आपका धमनी और शिरा। ठीक है, हमने क्या क्या बताया कि जो धमनियां होती हैं धमनियों में कैसे रक्त का प्रवाह होता है, ऑक्सीजन युक्त या हम कह सकते हैं प्योर ब्लड या शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है केवल फुफ्फुस धमनी को छोड़कर। फुफ्फुस धमनी जो होती है उसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। उसके बाद सिरा जो है इसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है केवल फुफ्फुस सिरा को छोड़कर। फुफ्फुस सिरा जो है ये अपवाद है, इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। उसके बाद दूसरा जो है हमेशा रुधिर धमनी जो है धमनी हमेशा रुधिर को हृदय से अंगों तक ले जाती है और सिराएं जो है ये हमेशा रुधिर को अंगों से हृदय तक ले आती है। फिर जो है तीसरा हमने लिखा कि अंदर से धमनियां जो होती हैं अंदर से सिराओं की अपेक्षा कम चौड़ी होती हैं और सिराएं जो हैं वो अंदर से धमनियों की अपेक्षा अधिक चौड़ी होती हैं। धमनियां जो होती हैं इसमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं और सिराएं जो होती हैं इसमें वाल्व पाए जाते हैं। धमनियां जो होती हैं धमनियों की दीवारें जो होती हैं वो मांसपेशी युक्त होती हैं और मोटी होती हैं। ठीक है, और इनके दीवारें जो है ये कैसी होती हैं, पतली होती हैं और मांसपेशियां नहीं पाई जाती। रंग धमनियों का कैसा होता है, गुलाबी या लाल रंग होता है। जो सिराएं होती हैं इनका रंग कैसा होता है, हल्का नीला होता है या हम कह सकते हैं बैगनी होता है। ठीक है, और हमने लिखा कि इनमें रक्त का प्रवाह बहुत तेजी से अधिक दबाव के साथ होता है, यानी कि जो धमनियां होती हैं धमनियों में रक्त का प्रवाह बहुत तेजी से होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी वाल्व नहीं पाई जाती। ठीक है, अगर पूछा जाए कि धमनियों में रक्त का प्रवाह बहुत तेजी से क्यों होता है तो आप बताएंगे इसमें वाल्व नहीं पाई जाती। इसकी दीवारें जो होती हैं वो मांसपेशी युक्त होती है और मोटी होती है। क्यों, क्योंकि इसमें ब्लड का प्रवाह जो है बहुत अधिक प्रेशर के साथ होता है, बहुत अधिक दबाव के साथ होता है। इसमें जो है इनकी दीवारें पतली होती है और मांसपेशी युक्त, यानी कि इसमें क्या है कि रक्त का प्रवाह धीरे धीरे होता है। रक्त का प्रवाह धीरे धीरे क्यों होता है सिराओं में, क्योंकि इनमें वाल्व यानी कि कपाट पाए जाते हैं और इसमें जो है
रक्त का बहाव जो है, रक्त का संचार जो है, रक्त का प्रवाह जो है वो कम दबाव के साथ होता है, इसीलिए इनकी दीवारें जो है वो कैसी होती हैं, पतली होती हैं। ठीक है, ये थे आपके पूरा जो है ब्लड और ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड पढ़ा आपने, ब्लड ग्रुप पढ़ा, ब्लड के प्रकार पढ़ा, ब्लड ग्रुप पढ़ा, और आपने क्या पढ़ा, ब्लड वेसल्स पढ़ा, रक्त वाहिनियां पढ़ा। ठीक है, तो ये जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ब्लड क्या है, ब्लड के प्रकार क्या है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, फिर ब्लड जो है वेसल्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो वही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।